मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश सरकार का साथ निश्चय पार्ट टू सशक्त महिला सक्षम महिला योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, किनको नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड। सीएम नीतीश कुमार ने अमेरिका में रह रहे NRI बिहारियों को दिया न्योता, बिहार के विकास में बने भागीदार। छपरा में रूपेश के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश से हाथ जोड़कर की अपील। आखिर में बिल गेट्स बने अमेरिका के सबसे बड़े किसान, 18 राज्यों में 1251 करोड़ रुपए में खरीदे 2.42 लाख एकड़ खेत। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमित शाह के कॉल के बाद BIP अध्यक्ष मुकेश सहनी परिषद चुनाव में उतरने को तैयार। बिहार के सभी थानों में होगा महिला हेल्प डेस्क, महिला फरियादियों की सुनी जाएंगी समस्याएं। शराबबंदी के बावजूद शख्स ने रोजाना बेची 9 लाख की शराब, अब फंसा पुलिस के जाल में। शिक्षक नियोजन के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी मुड़ाएंगे सिर, आज से महा आंदोलन। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार सरकार ने राज्य के अलग अलग कार्यालयों में सभी पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। साथ निश्चय पार्ट टू के सशक्त महिला सक्षम महिला योजना को धरातल पर उतारने के लिए सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों के प्रमुख के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, DM रेंज, IG, DIG और SP को इस बाबत पत्र भेजा है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, लेकिन अभी उन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है जिनका परीक्षा शुल्क और पंजीयन शुल्क जमा नहीं है। उनके लिए बिहार बोर्ड ने 25 जनवरी तक का समय निर्धारित किया है। बिहार के मूल निवासियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने आधुनिक बिहार के निर्माण के लिए विकास में भागीदार बनने का न्योता दिया। बिहार में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार इसके लिए जमीन के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। RJD नेता तेजस्वी यादव ने इंडिगो स्टेशन हेड रूपेश सिंह के परिजनों से छपरा पहुंचकर मुलाकात की है। रूपेश सिंह की 12 जनवरी को पटना में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर कहा, हम जानते हैं कि आप कमजोर सीएम हैं, लेकिन अपने पद के लिए कृपया मानव जीवन का बलिदान नहीं होने दें। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव के लिए 18 जनवरी को नामांकन का अंतिम दिन है। भाजपा ने अपने खाते की इन दोनों सीटों में से एक के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और मंत्री मुकेश सहनी को टिकट देने का ऐलान किया है। पहले तो सैनी तैयार नहीं थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के फोन के बाद वे तैयार हो गए। ये सुशील मोदी वाली खाली सीट पर जाएंगे। फरियाद लेकर थाने पहुंचने वाली महिलाओं को अब दिक्कत नहीं होगी। FIR दर्ज करानी हो या फिर संहार, थाना में किसी तरह का कोई काम होने पर महिला पुलिसकर्मी उनकी मदद करेंगी। जरूरी हुआ तो उन्हें कानूनी पहलुओं से भी अवगत कराया जाएगा। बिहार के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 28 वर्षीय अतुल ने शराबबंदी के बावजूद शराब का धंधा किया, जिसमें एक दिन में 9 लाख रुपए तक की कमाई होने लगी। उसने लग्जरी कार, स्पोर्ट्स बाइक तक खरीद ली, लेकिन अब पटना पुलिस ने उसके पूरे खेल का खुलासा कर दिया है। वह MBA ग्रेजुएट है। शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में कोर्ट के निर्णय के बावजूद तेजी लाने की बजाय सुस्त हो गया है। अभी तक काउंसलिंग की तिथि जारी नहीं की गई है। नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी संगठन ने महाआंदोलन का निर्णय लिया है। 18 जनवरी से महाआंदोलन सह धरना प्रदर्शन करेंगे। यह धरना पटना के गर्दनी बाग में होगा। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने JDU छात्र नेता को गोली मार दी है। उन्हें गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से PMCH रेफर कर दिया गया। मामला बख्तियारपुर इलाके के केवल बेघा घंग पंचायत की है। बिहार के जमुई से भाजपा से MLA बनने के बाद भी श्रेयसी सिंह ने नई दिल्ली में होने वाली ISSF वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर पहले प्यार से अपने जुड़ाव का खुलकर इजहार किया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 नई ट्रेनों की शुरुआत की। ये ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया के लिए शुरू की गई हैं, ताकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए केवड़िया जाने वाले लोगों को सुविधा हो। गुजरात के अलावा देश के 6 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से केवड़िया के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में TMC के खिलाफ नाराजगी जता चुकी बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय को पार्टी ने बंगाल यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है।
दो दिन पहले ही शताब्दी ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जताई थी, जिसके बाद से उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के अनुसार किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई ने रविवार को भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने यह पैसा नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे में काम दिलाने के नाम पर एक शख्स से मांगा था। महेंद्र सिंह चौहान 1985 बैच के अधिकारी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स अमेरिका के सबसे बड़े किसान भी बन गए हैं। उन्होंने अमेरिका के 18 राज्यों में कुल 2,42,000 एकड़ खेती की जमीन खरीदी है। इसके लिए उन्होंने 1,251 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस तरह सभी मिलाकर वे अब तक कुल 2,68,984 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। बिहार टेक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टेक्स।